हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चिड़िया और मधुमक्खी की मॉरल कहानी 10 लाइनों में लिखेंगे। लाइन नंबर एक किसी समय की बात है। लाइन नंबर दो, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है। लाइन नंबर तीन, क्या तुम्हें इसका बुरा नहीं लगता। लाइन नंबर चार, मधुमक्खी ने चिड़िया को जवाब देते हुए कहा। लाइन नंबर पाँच, इंसान केवल मेरा शहद चुरा सकता है। लाइन नंबर छः, लेकिन वह कभी भी मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। लाइन नंबर सात, चिड़िया मधुमक्खी का जवाब सुनकर शांत हो गई। लाइन नंबर आठ, चिड़िया वहां से संतुष्ट होकर उड़ गई। लाइन नंबर नौ, मधुमक्खी ने वापस खुशी खुशी शहद बनाने का काम शुरू कर दिया। लाइन नंबर दस, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई आपके काम को देखकर आपको कॉपी कर सकता है पर आपका हुनर को नहीं चुरा सकता। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।